नमस्ते एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो। तो आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये 14 मार्च से 20 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और ये एक जनरल रीडिंग है। जैसे कि आप जानते हैं, सब पर 100% मैच नहीं करती, तो ये सिंगल्स के लिए होगी। सिंगल्स यानी जो सिंगल्स हैं या अपने आप को किसी भी तरह से सिंगल मानते हैं, ये उनके लिए लव रीडिंग होगी। इसमें हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस हैं उनकी पास्ट रिसेंट पास्ट एनर्जी क्या रही है और उनकी करंट प्रेजेंट एनर्जी क्या रहेगी या है, और अगर उनकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन जो उन्हें डील कर रहा था, क्या उनकी लाइफ में वापस आ सकता है और कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो उनकी दोनों की एनर्जी क्या रहेगी और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है और प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है। अगर उनकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन डील कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहने वाली है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो लग रहा है कि पास्ट में आपने अपनी स्टेबिलिटी पर काफ़ी ध्यान दिया है, काफ़ी फोकस किया है। सबसे पहले आपको अपने नेम, फेम, करियर, बिजनेस, जॉब, लव, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत रही है। और क्योंकि सबसे जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, जब तक आपको नहीं लगता कि आप स्टेबल हो गए हैं, आप बैलेंस में आ गए हैं, तो तब तक आपको दूसरे पचड़ों में प्यार वार के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन काफ़ी स्टेबिलिटी लग रहा है कि आपने इसमें आई है और आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको पुराने दिनों में ज़रूर मिली है, तो काफ़ी खुशियों के साथ काफ़ी अच्छा आपका टाइम स्पेंड हुआ है और जो आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी रही है। काफ़ी खुश, कोई ना कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी आपको इन दिनों ज़रूर मिली है, चाहे वो प्यार से लेकर है या तो हो सकता है कि स्टेबिलिटी से लेकर भी हो सकती है। तो स्ट्रेंथ, आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर कोई परेशानी, कुछ दुख तकलीफ आपको आए हैं और आप घबराए हुए लग रहे हैं। लेकिन जब तक आप अपने मन का डर बाहर नहीं निकाल देते, आप हिम्मत नहीं करते, एफर्ट नहीं लगाते, एनर्जी नहीं डालते, जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप यही सोचते रहेंगे कि अगर ऐसा हो गया, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो कुछ गलत हो सकता है, और आप डरे रहे, घबराए रहे, तो आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। तो आपको उस डर से बाहर निकलने के लिए आपको अपने अंदर से हिम्मत जगानी होगी और एफर्ट लगाना होगा, मेहनत करनी होगी, एनर्जी डालनी होगी, तभी आप कामयाब हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, यूनिवर्सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है, साहस करने की ज़रूरत है। आप इसमें काफ़ी कामयाब हो सकते हैं, नेम और फेम पा सकते हैं, काफ़ी फ्रूटफुल हो सकते हैं और काफ़ी आपकी जो एनर्जी है काफ़ी अच्छी लग रही है। ये हार पर जीत का कार्ड है, लेकिन आपको थोड़ी सी अपने अंदर का जो आप किसी चीज़ को लेकर घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उसमें आपको उस हिम्मत को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी और अपने अंदर का डर बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो प्रेजेंट एनर्जी है आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स जी आपका इसमें साथ देने वाले हैं। द स्टार, तो अगर आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन डील कर रहा है तो क्या वो आपकी लाइफ में आ रहा है? तो अभी लग रहा है कि इसमें आपको सबसे पहले अपने आप को स्पेस देने की ज़रूरत है। आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, और जब आपको लगे कि आप बिल्कुल सही हो गए हैं, सिचुएशन को संभाल सकते हैं, तभी आप इस रिश्ते में आगे आ सकते हैं और आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। तो जो आपका पुराना पर्सन है, तो हो सकता है कि वो रिकॉन्सिलेशन चाहता है, इस दोबारे में इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत दोबारा कर रहा है और आपकी लाइफ में आ रहा है। उसका समय लग सकता है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है और अभी मेडिटेशन, प्रेयर, हीलिंग की उनको ज़रूरत है
हो सकता है कि पास्ट में कुछ ना कुछ परेशानियों को लेकर सेपरेशन हो चुका है, कुछ ना कुछ दूरियां इस रिश्ते में आ गई हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वो उठकर एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं, दोबारा इस रिश्ते को में एक पहचान बनाना चाहते हैं। तो अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं तो क्या वो आपकी लाइफ में आ रहा है? आपकी लाइफ में फिलहाल के लिए लग रहा है कि कोई नया पर्सन नहीं आ रहा है, क्योंकि आप काफ़ी परेशानी में हैं, काफ़ी दिक्कत में हैं। आपको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं, इस रिश्ते में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप डिप्रेशन में हैं, या फिर आपके जो मन का डर है उस आप अंदर से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और आपके मन में कुछ ना कुछ इस रिश्ते को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो आपको इस डिप्रेशन से, इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर आने की ज़रूरत है। जब आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाए तभी आप रिश्ते में आगे बढ़िएगा। अभी के लिए आपको रुकने की, ठहरने की ज़रूरत है। तो अभी और अभी आप काफ़ी परेशानी, दिक्कत में हैं, डिप्रेशन में लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता बन जाता है तो इसमें लड़ाइयाँ झगड़ा रहेगा, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं आ सकती, तो इसलिए आप इस रिश्ते में अभी नहीं आना चाह रहे हैं। इस रिश्ते से कोई नई शुरुआत, नई बिगनिंग आप इस रिश्ते में नहीं चाह रहे। तो पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में एक बिगनिंग चाहता है, एक शुरुआत चाहता है, रिकॉन्सिलेशन चाहता है। धीरे धीरे करके वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, लेकिन नया पर्सन फिलहाल के लिए आपकी लाइफ में नहीं आता दिखाई दे रहा। तो इस रिश्ते की गाइडेंस देख लेते हैं, इस सिचुएशन की। तो सबसे पहले आपको परिवार के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, उनके साथ खुश रहने की ज़रूरत है, उनके साथ खुश रहिए, मौज मस्ती कीजिए, डेट्स पर जाइए, पिकनिक पर जाइए, पार्टी में जाइए, और वेकेशन लेकर, छुट्टियां लेकर कहीं घूमने फिरने जाइए, टूर ट्रैवल कीजिए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप को एंजॉय करने की ज़रूरत है, मौज मस्ती करने की ज़रूरत है। और अभी आप इस रिश्ते के बारे में मत सोचिएगा, इसको भूल जाइएगा, जब क्योंकि पहले आप जब तक स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आप की लाइफ में खुशियां नहीं आ जाती, जब तक आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय नहीं करते, जब तक आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि पहले आपको लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, परिवार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और जब आप खुश हो जाते हैं, जब आपको लगे कि सब कुछ सही हो गया, ठीक हो गया, तो तब आप इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप उनके बारे में, रिश्ते के बारे में मत सोचिएगा, अभी फिलहाल के लिए आप मौज मस्ती कीजिए, परिवार के साथ, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, और घूमिए फिरिए, और इस रिश्ते को अपनी फैमिली को अच्छा बनाइए, और उसी के बाद आप नया रिश्ता बनाने के बारे में सोचिएगा, ताकि इन द फ्यूचर रिश्ते में जाकर कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आ सके। जब आप इस टेंशन से फ्री हो जाएं, जब आप खुश हो जाएं, तब आपको लगे कि सही हो गया है, तो तब इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में खुशी होती है। तो प्लीज़ 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 कमेंट्स कीजिए, वीडियो व्यूज़ दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।